हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जानेंगे। ये भी एक एनसीईआरटी का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने दो टॉपिक करवा दिया है, तो उसको भी जाके देख लेना, वो सब इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले क्या है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द इवेंट डेट मोबिलाइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट अमंग एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। यानी कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो एक इवेंट था जिसकी वजह से यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो आया। उन्होंने भी मतलब अपने नेशन के लिए लड़ना चालू किया, स्ट्रगल करना चालू किया। तो ग्रीक जो था वो पहले ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था 15th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के ग्रीक के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये जो मुस्लिम रूलर है ऑटोमन एम्पायर, उससे हटा के अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना सके। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल चालू किया इंडिपेंडेंस के लिए। और जबकि स्ट्रगल जो था वो कब स्टार्ट हुआ, 1821 में, ठीक है? तो अप्रॉक्स 10 से 11 साल लग गए फ्रीडम पाने में, इंडिपेंडेंस पाने में। ये है मैप जिसमें लिखा है ऑटोमन एम्पायर। तो ये पूरा जो ब्लू कलर का है वो है ऑटोमन एम्पायर का रीजन, और उसका एक पार्ट था ग्रीस, जो कि ग्रीन कलर में ये है, जो इसका एक पार्ट था, ठीक है? 1827 का ये दिखा रहा है। तो ये इसका पार्ट था, तो इसको ऑटोमन एम्पायर से अलग करना था। देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। अब स्ट्रगल तो चालू हुआ, लेकिन अब सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला? जो नेशनलिस्ट थे वो सपोर्ट उनको कहाँ से मिला, फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब कि जो देश से निकाले गए हुए लोग होते हैं, जिनको फोर्सफुली निकाल दिया जाता है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा कौन था, वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। तो जो वेस्टर्न साइड के यूरोपियंस थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग को थोड़ा सिंपथी था ग्रीक कल्चर के लिए, पुराने ज़माने का जो कल्चर था ग्रीक का, तो उनको थोड़ी सा सहानुभूति था उसके लिए, तो वो लोग भी सपोर्ट करते थे। पोइट्स एंड आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ग्रीस को की प्रशंसा की, लॉरेड यानी कि सराहना करना, तारीफ की कि, और उसको क्या बोला, ग्रीस को उन्होंने क्या नाम दिया, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि यूरोपियन का जो सिविलाइजेशन है उसका एक पालना कहा गया, पालना, ठीक है, जहाँ बच्चे सोते हैं पालना, वो कहा गया पोइट्स के द्वारा यूरोपियन सिविलाइजेशन को। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रगल अगेंस्ट, एक जो मुस्लिम एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ये सबके सपोर्ट के साथ। उसके बाद एक और जो थे, जो इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उसको। ये फंड रेज करते थे वॉर के लिए, फंड रेज किए और वॉर में फाइट भी किए। तो फाइट के दौरान उनको फीवर हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ कब हुई, 1824 में, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड बायरन। तो जब वॉर एंड हुआ, तो वॉर एंड कैसे हुआ, वॉर एंड तब हुआ जब एक ट्रीटी साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। कहाँ पर हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक ट्रीटी जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो क्या है, वो एक जगह है जहाँ पर ट्रीटी हुआ था। तो ये जगह है जहाँ पहले रशियन एम्पायर का जो पहला कैपिटल था, ये कैपिटल था, सिटी कैपिटल रशियन एम्पायर का, तो वहाँ पर ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके बाद ये वॉर एंड हुआ और ग्रीस को जो है इंडिपेंडेंस मिला। देखते हैं अब ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसमें क्या क्या हुआ, कब हुआ। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस विच ओपन इन फेब्रवरी 1832 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ऑन द वन हैंड एंड ऑटोमन एम्पायर ऑन द अदर। तो इसमें क्या बोला गया है कि कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अंदर ये ट्रीटी साइन हुआ फेब्रवरी 1832 में। तो अप्रॉक्स 1821 से 1832, 10 से 11 साल लगा था इंडिपेंडेंस में। तो और इसमें जो पार्टिसिपेशन था, एक साइड में था ग्रेट पावर्स जिसमें इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया आते हैं, और एक साइड थे ऑटोमन एम्पायर जिसमें विक्ट्री जो मिला वो ग्रीस को, जैसे कि फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन को मिला, और ऑटोमन एम्पायर जो है वो अलग हो गए, ठीक है? तो ये इनका था स्ट्रगलिंग। तो ये जो फ्लैग है, ये ग्रीक का फ्लैग है,
तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये वर्ड टू वर्ड आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके और बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।